हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर के मुख्य मुख्य भागों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और ट्रांसफार्मर की क्रिया प्रणाली, मतलब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से भागों का क्या क्या उपयोग किया जाता है, इसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहला भाग आता है ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक। तो ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक में जैसे कि हम देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है कि ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक। उसके बाद आता है प्रीतर, बाद लो वोल्टेज ब्रश, मतलब जो ये होते हैं वोल्टेज या इंसुलेटर, इनको हम कह सकते हैं। इसके बाद मेन टैंक आता है ट्रांसफार्मर का, और इसके बाद इसे नीचे टैंक कवर, और इसके बाद ट्रेन ऑफ, ये होता है टैंक नल की तरह होता है ट्रेन ऑफ, जो कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का ओवर लीकेज होने पर काम लिया। इसके बाद आता है कूलिंग ट्यूब, जो ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करती है, वो होती है कूलिंग ट्यूब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टार्ट करूँगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इसके प्रकार और भाग और कार्य सिद्धांत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जो एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन डीसी उपकरणों पर किया जाता है जो एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर, बैटरी, चार्जर इत्यादि। डीसी उपकरण एसी उपकरण के मुकाबले बहुत कम बिजली में चलते हैं, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर 12 वोल्ट डीसी से कार्य करता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एसी वोल्ट को 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में बदला जाता है, जिससे इसे रेक्टिफायर की मदद से एसी से डीसी में बदला जाता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 और जोसेफ हेनरी ने 1832 में करके दिखाया था। आज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बिजली के हर क्षेत्र में हो रहा है, बड़े से बड़े पावर स्टेशन से लेकर एक छोटे से घर में भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी न किसी रूप में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की इस पोस्ट, मतलब इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, टॉपिक्स और ट्रांसफार्मर, उच्च ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना, बिजली ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे या जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफार्मर के भाग। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर के भाग में इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, फेज की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और शुरुआत ट्रांसफार्मर के भाग। तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं और सभी ट्रांसफार्मर में कुछ खास कंपोनेंट होते हैं जो कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी कई कंपोनेंट लगाए जाते हैं। लेकिन जो कंपोनेंट सभी ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं उसकी सूची आप मतलब नीचे पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर कौन कौन से भाग। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले भाग आता है कोर। तो ट्रांसफार्मर को कोर फॉर्म और सेल फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की इंटरनल संरचना, जैसे कि अंदर से ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, इसमें ये होती है कोर, इसके माध्यम से लेमिनेटेड प्रकार की कोरें प्रयोग की जाती है। तो ट्रांसफार्मर को कोर फॉर्म और सेल फॉर्म में बनाया जाता है, और जिस कोर के चारों तरफ लगाया जाता है उसे कोर फॉर्म कहते हैं, जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के चारों ओर लगाया जाता है उसे सेल ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को कोर के चारों तरफ लगाया जाता है उसे तो कोर फॉर्म ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जिसमें कोर को वाइंडिंग के चारों तरफ लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, सेल फॉर्म ट्रांसफार्मर कहते हैं। आता है ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनाई जाती है, तो ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनाई जाती है, और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाली आयरन और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती है, और इन पत्तियों की चौड़ाई 0.35 से 0.75 mm के बीच होती है, और इन पत्तियों को आपस में वर्निश से जोड़ा जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर की पत्तियों को वर्निश के द्वारा जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की पत्तियां मुख्यतः ई, आई और एल आकार में होती है।
यह लगाई जाती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर कोयल, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में कोयल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ये अपन जैसे कि देख सकते अपन, ये होती है प्राइमरी कोयल और ये होती है सेकेंडरी कोयल। तो इसको हम ट्रांसफार्मर की कोयल कहते हैं। जैसे कि अब कोयल के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की कोयल ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट तारों को जोड़ती जाती है। ट्रांसफार्मर में दो कोयल लगी होती है जो कि एक इनपुट का कार्य करती है और एक आउटपुट का कार्य करती है। कोयल को वाइंडिंग भी कहते हैं, मतलब कोयल को कोयल वाइंडिंग भी कहा जाता है। यह वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। पहली वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों अलग अलग होती है, जैसे कि आप चित्र में समझ सकते हैं या देख सकते हैं। इनकी कोर के चारों तरफ लपेटे की संख्या भी कम और ज़्यादा होती है, मतलब दोनों की कोरों में अगर फर्स्ट फाइबर था प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज़्यादा होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या या फेरों की संख्या कम होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से सप्लाई म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होती है, अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ही सप्लाई का आदान प्रदान होता है। इसके बारे में नीचे अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग पर ऐसे इनपुट सप्लाई दी जाती है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं हम, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर आउटपुट के तार लगाए जाते हैं और इसे वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर की आउटपुट मिलती है, या यूँ कहें कि ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। अर्थात जैसे कि अपन जनरली ट्रांसफार्मर में जैसे कि अपन को 11 केवी सप्लाई देती है, तो जब हम 11 केवी देते हैं तो वो हमें देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में हम 11 केवी देते हैं। उसके बाद जब हमें जो 240 या 220 वोल्ट जो सप्लाई प्राप्त होती है वो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है इंसुलेटेड शीट क्या होती है। तो इंसुलेटेड शीट होती है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक शीट लगाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में ये जो वाइट वाइट सी शीट होती है ये कहते हैं, इसको अपन इंसुलेटेड शीट कहेंगे। जैसे कि ये शीट होती है तो इसको हम कहेंगे इंसुलेटेड शीट। इसके बाद आता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो शीट लगाई जाती है उसे हम इंसुलेटेड शीट कहते हैं, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पर किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसलिए वाइंडिंग के बीच में क्या लगाई जाती है, इंसुलेटेड शीट, मतलब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इंसुलेटेड शीट लगाई जाती है। इसके बाद अगला कंजर्वेटर टैंक क्या होता है। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं क्या कहता है कंजर्वेटर टैंक, इसकी सहायता से ऑयल का लेवल या कम मात्रा ज्ञात की जाती है। तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके अंदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इसलिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एक टैंक होता है जिसके अंदर तेल डाला जाता है और यह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का कार्य करता है, मतलब तेल का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, तेल या ऑयल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा होता है इसलिए गर्म बहुत हो जाता है और इसलिए ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए इसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ऑयल लेवल इंडक्टर के लिए कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भरा होता है लेकिन इसे मापने के लिए अंदर एक मीटर लगाया जाता है जो कि टैंक के भरे ऑयल की मात्रा को बताता है, अर्थात ऑयल का तेल की मात्रा देखने के लिए उसमें ऑयल लेवल मीटर लगा हुआ होता है। इसके बाद होता है बुशिंग। बुशिंग क्या होती है, बुशिंग का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में लाइव कंडक्टर और ट्रांसफार्मर की बॉडी को इंसुलेटेड करने के लिए किया जाता है और यह ट्रांसफार्मर के सभी टर्मिनल पर लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है, मतलब बुशिंग क्या होती है थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ही लगी होती है। इसके बाद होता है रेडिएटर फैन का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर में भी एक रेडिएटर लगा होता है लेकिन यह रेडिएटर सिर्फ बड़े ट्रांसफार्मर मतलब GSS के ट्रांसफार्मर पर लगा हुआ होता है। इसके बाद होता है ऑयल फिलिंग पंप क्या होता है। तो ऑयल फिलिंग पंप ट्रांसफार्मर में तेल भरने के लिए ट्रांसफार्मर में टाइम पर एक पाइप लगाया जाता है जिसे ऑयल फिलिंग पाइप कहते हैं और इसी की मदद से हम ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है, जिससे कि यह ऑयल फिलिंग पंप या ट्रांसफार्मर का शॉर्ट डायग्राम होता है। जैसे कि ये होता है एक्सप्लेनेशन वेंट, ये होता है कंजर्वेटर टैंक। इसके बाद ब्रीदर, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये होता है ये ब्रीदर, यो ऊपर ड्रेन वॉल, ये कूलिंग पाइप, ये कूलिंग वेंट,
बाद ये होता है मेन टैंक के अंदर लोड ट्रेन पंप HT बुशिंग, मतलब LT लो टेंशन, मतलब जो कि कम दबाव कर HT बुशिंग यहाँ पे लगी हुई होती है। इसमें तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण भाग ट्रांसफॉर्मर के अंदर थे, जैसे कि हमने देख सकते हैं जो कि लगभग सभी ट्रांसफॉर्मर में आपने देखे होंगे, लेकिन यह भाग मैंने कुछ और कंपोनेंट बताया जो कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में आपको देखने के मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के। ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, जहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है उसी आधार पर ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। जैसे कि अगर हमें घर में बैटरी का चार्जर बनाना है तो इसके लिए हम स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज को कम करने वाले ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर कहीं हमें इन्वर्टर बनाना है तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जा करना पड़ेगा, इसलिए हम घर में स्टेबलाइजर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर के कई प्रकार होते हैं जिनकी स्विच हम नीचे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट वोल्टता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट प्रदान करते हैं इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा कोइल के टर्न लपेटे जाते हैं। इसका इस्तेमाल स्टेबलाइजर और इन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। तो डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम और ITI की एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कोइल की संख्या कौन कौन सी वाइंडिंग में कम या। जैसे कि अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पूछा जाएगा कि आपसे स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में कोयल की संख्या क्या होती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कोयल की संख्या हमेशा कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोयल की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करते हैं उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि DC सप्लाई से चलने वाले बहुत सारे उपकरण मार्केट में हैं जो हमें घर में आने वाली AC सप्लाई से चलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि 220 वोल्ट को घटाकर उस उपकरण के अनुसार यह ऑडियो एम्पलीफायर को 12 वोल्ट DC सप्लाई की आवश्यकता, जैसे कि जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर था, जैसे कि आप समझ सकते हो होम थिएटर को 12 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या होता है IC सर्किट लगा होता है जो कि 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद अगला आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 220 वोल्ट को 12 वोल्ट ये हमने पढ़ लिया, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए DC सप्लाई में बदलना पड़ा, इसलिए यह ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं मोबाइल चार्जर को भी 10 या 12 या 6 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भी DC ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ITI और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त हो सके। इसके बाद अगला ट्रांसफार्मर का प्रकार आता है कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो कोर की संरचना के आधार पर भी ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोर टाइप और सेल टाइप कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जैसे कि दो वाइंडिंग टू फेज और थ्री फेज के होते हैं। इसी प्रकार सेल टाइप में सिंगल फेज और थ्री फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर यह ई तथा आई आकार, जैसे कि यह ई और आई आकार की पत्तियां को जोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे कि ये वाला होता है कि ये वाला है दो प्रकार दो आई को जोड़ के, जैसे कि ये एक आई और ये एक आई को जोड़कर क्या बनाया गया ये वाला कोर टाइप, और इसी प्रकार ये दो ई को जोड़ करके क्या बनाया गया ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाया गया। इसी प्रकार से सेल टाइप को किस प्रकार से बनाते हैं, सेल टाइप को ई आकार और आई आकार, जो सेल को भी क्या बनाया गया ये तो शायद ये भी सेम इसी प्रकार से बनाया गया। इसके बाद आता है यह ई तथा आई आकार की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें तीन लिब पड़े होते हैं जिसमें से एक लिब पर दोनों वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग बीच वाले लिप पर की जाती है, जिसका क्षेत्र दोनों साइड से दो गुना होता है। कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग कोर के नज़दीक की जाती है और ज़्यादा वोल्टेज वाली कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग के ऊपर की जाती है ताकि इंसुलेशन आसानी से किया जा सके। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए दो रास्ते होते हैं, इसे हम
कम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर को एल आकार की पत्तियों से बनाया जाता है, जैसे कि ये एल आकार की लेमिनेटेड पत्तियाँ, एल आकार की लेमिनेटेड पत्तियों से इसको बनाया जाता है, जैसे कि ये एल और ये एल आकार की पत्तियों से इसको बनाया जाता है। इसके बाद आता है इसके आयताकार रूप में होता है, इसके चार लिप होते हैं, इसमें दो आमने सामने वाले लिप पर वाइंडिंग की जाती है। इसमें मैग्नेटिक प्लस के लिए केवल एक ही रास्ता होता है, यह हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक तो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है, यह सिंगल फेज की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, उसे सिंगल फेज हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के सिंगल फेज विद्युत सप्लाई दी जाती है और द्वितीय वाइंडिंग के सिंगल फेज विद्युत सप्लाई स्टेप डाउन या स्टेप अप रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को थ्री फेज कहते हैं, मतलब तीन फेज को एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले को थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसमें द्वितीय, इसमें तीन प्राइमरी तथा तीन द्वितीय वाइंडिंग होती है, यह सेल या कोर टाइप के होते हैं। इसका उपयोग 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV और 440 kV एम्पीयर वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर कंपोनेंट ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब जो कि विद्युत का जनरेशन होता है उसमें ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ही उपयोग किया जाता है। जो कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो थ्री फेज होते हैं, आजकल थ्री फेज ट्रांसफार्मर का अधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पहले हम इसको जान लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, जिसे एक वाइंडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरी वाइंडिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर कार्य करती है। प्राइमरी वाइंडिंग तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है, दूसरी क्या करती है, मैग्नेटिक मोटिव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब पहली वाइंडिंग अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे यहाँ हम पहली प्राइमरी वाइंडिंग को हम कहेंगे, यहाँ पे पहली वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग को कहेंगे, द्वितीय वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है, तो उसके चारों तरफ एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जब दूसरी कोयल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो दूसरी कोयल में इलेक्ट्रॉन बहने वाले एक इस कॉइल के सिरों पर हमें एसी सप्लाई मिलती है, लेकिन ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई इनपुट सप्लाई पर निर्भर करती है, अर्थात जितना इनपुट दिया जाएगा उससे कम ही हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जोड़ने से पहले क्या क्या टेस्ट करने चाहिए, तो हमें ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जोड़ने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए और निम्न टेस्ट करने चाहिए, जैसे कि इंसुलेशन टेस्ट क्या होता है। तो इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए आपको दोनों वाइंडिंग के बीच में मेगर का प्रयोग किया जाता है। तो मेगर क्या होता है, उच्च मानों के प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मेवर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, अर्थात किसी में इसमें अर्थिंग लीकेज नहीं है, यदि अगर ट्रांसफार्मर का अर्थ लीकेज हो गया तो उसमें क्या होगा, 11 kV डायरेक्टली अपने घरों में आ जाएगी और हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस टेस्ट को करने के लिए टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए टेस्ट लैंप की एक तार को ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ जोड़ा जाता है, दूसरी तार को फेज से जोड़ा जाता है। अगर इसमें अर्थिंग लीकेज होगा तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, और नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर का ऑयल, तो इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर के तेल की जाँच की जाती है। इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है, इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। और जब कॉटन की टेप को 120 डिग्री पर 48 घंटे तक ट्रांसफार्मर तेल से भरी रखते हैं, अगर इसकी विशेषता से कहीं कोई फर्क आ जाए तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर का तेल अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। टेस्ट के दौरान यह पता लगाया जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, आपस में स्पर्श नहीं है, अर्थात दोनों टच तो नहीं है, दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, इंसुलेशन तो लगा हुआ है ना। इसके बाद होता है, इसके लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मेगर के टर्मिनल को प्राइमरी वाइंडिंग के सिरे से जोड़ते हैं तथा मेगर के दूसरे टर्मिनल को सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरे पर जोड़ते हैं। अगर मेगर की सुई को घुमाते हुए रीडिंग शून्य दर्शाती है तो दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट है, जिसके इन्फिनिटी पर हो तो वाइंडिंग शॉर्ट नहीं है। यदि हमारे चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन।